फ्रेंड्स, मेरे भोजनशाला में आपका स्वागत है। आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे। लौकी का हलवा बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है और ये व्रत में भी खाया जाता है, और जब भी हमारा कुछ मीठा खाने को मन करे तब हम ये लौकी का हलवा बना करके खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत लगती है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं भोजनशाला की ओर। ये मैंने लौकी ली है, ये 600 ग्राम लौकी है। इसको हम छील करके और इसको ग्रेट कर लेंगे। ये 300 ग्राम मावा लिया है, ये 300 ग्राम चीनी ली है, और ये आधा कटोरी घी लिया है, और ये कुछ किशमिश ली है, और ये थोड़े से काजू लिए हैं, और ये थोड़े से बादाम लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने लौकी को पीस लिया है और ये जो इसका सॉफ्ट पार्ट था इसे मैंने अलग कर दिया है। अब हम सबसे पहले मावा सेक लेते हैं। गैस ऑन कर दिया है और ये कढ़ाई में मावा डाल देते हैं। फिर क्रम्बल करते हुए डाल देंगे इसे। और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक सेकेंगे हम इसे। इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से इसको सेक लेंगे। ये हमारा मावा भी सिक करके तैयार हो गया है और हमने इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर ही इसे सेका है, क्योंकि ये मावा बहुत जल्दी से चिपकने लगता है और लगातार चलाते हुए इसे सेका है। अब हम इसको उतार लेते हैं और यहाँ फैन गरम रख देते हैं, उसमें हम लौकी को पकाने रख देंगे। पैन में घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम फुल रख करेंगे। अभी घी को गर्म होने देते हैं। ये घी गर्म हो गया हमारा। अब हम इसमें ये ग्रेटेड लौकी डाल देंगे। इसे अच्छे से हिला देंगे। गैस का फ्लेम अभी हम फुल ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमारी लौकी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है। ये देखिए, लौकी ने इसका पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब ये लौकी पकती है हमारी, तब तक हम ये काजू और बादाम काट के तैयार कर लेते हैं। ये लौकी को चेक कर लेते हैं हम। ये लौकी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। अच्छे से हिला देंगे इसको। गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे थोड़ा। ये शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे तेज आंच पर ही हम इसे पकाएंगे, जब तक ये पानी सूख न जाए। ये देखिए, इसका पानी सारा सूख चुका है। अब हम इसमें मावा डाल देते हैं।
अच्छे से हिला देंगे इसको। ये देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब गैस का फ्लेम हम सिम पर कर देंगे और इसको हम कुछ देर लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि हलवे से घी अलग ना हो जाए तब तक। ये हलवे से घी अलग हो चुका है और ये हमारा हलवा बनकर के तैयार हो गया है। इसको मैं और थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए ये ग्रीन कलर डाल रही हूँ, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं, ये फ्रूट कलर है। इसको अच्छे से हिला देंगे। हलवे का कलर बहुत अच्छा आ गया है। और हम अब इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, किशमिश, बादाम और ये काजू, और थोड़ी देर और पकाएंगे इसे हम। ये लौकी का हलवा बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए स्वादिष्ट लौकी का हलवा बन करके तैयार है। ऊपर से हम ये थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, ये काजू बादाम डाल दिए मैंने। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।